एक और साल तमाम हुआ, एक और बरस बीत गया। 12 बजते ही आसमान रोशनियों में नहा गया। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। मंचलों का सड़कों पर हल्ला गुल्ला। टीम दुनिया की जानिब से अहले वतन को नए साल की खुशियां मुबारक। पाक हमारे लिए बेहतरी करें और हम सबके लिए अच्छी दुआओं के तलबगार हैं। 2022 नॉर्मली गुजरा और 23 से भी इतनी खास उम्मीदें तो नहीं है। 2022 का साल कई अप्स एंड डाउन्स के साथ हमारा गुजरा है। 2023 से बहुत उम्मीदें हैं, अल्लाह करे बहुत अच्छा हो हमारे लिए, हम सबके लिए। आई होपफुली कि 2023 हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। मेरा उम्मीद है कि इंशाल्लाह 2023 में पाकिस्तान सारे परेशानी से इंशाल्लाह निकल जाएगा। अल्लाह ताला सबको सेहत दे और जो भी टेंशन है ना सबकी, वो सब दूर हो जाए। ऐसे मुल्क के हालात तो जिस तरह जा रहे हैं उस हिसाब से तो कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि मेरी शादी हो जाए। बदलना है तो दिन बदलो, बदलते क्यों हो हिंसे को। महीना फिर वही होगा, सुना है साल बदले का। 2022 में महंगाई, बेरोजगारी और माशी मसाइल के बोझ तले पाकिस्तानियों को 2023 से भी इंतहाई कम उम्मीदें। सियासतदान अपने मफादात की लड़ाई में मसरूफ, मुल्क का कोई भी नहीं सोच रहा। हालात बदलने के लिए इनकलाब जरूरी, बातें और वादे नहीं, अमल करना होगा। शहरियों का इजहार ख्याल। दुआ है नया साल इंसानियत की फलाह बहबूद और अमन खुशहाली लाए, दहशत गर्दी और मसाइल से निजात मिले। जुल्म बर्बरियत का सामना करते कश्मीरी और फलस्तीनी अवाम को आज़ादी नसीब हो। वज़ीर आज़म का पैगाम, शहबाज शरीफ का पाकिस्तान में मुआशी और सियासी इस्तेहकाम का यादा। यकीन है 2023 मुल्क की तरक्की और कौम की खुशहाली का साल होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से भी मुबारकबाद। मौजूदा हालात में तमाम फरीकों के दरमियान कौमी इत्तेफाक राय ज़रूरी। पाकिस्तान को इक्तिसादी और दहशतगर्दी के चैलेंज दरपेश। मुल्क इंतहाई नाजुक मोड से गुजर रहा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जदीद जंगी रुझानात और तकाजों पर तवज्जो मरकूज करने पर जोर। सिपा सालार की पाकिस्तान नेवल एकेडमी कराची की पासिंग आउट परेड में तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। मुस्तकबिल में नेवी का किरदार इंतहाई अहम करार। तरबियत मुकम्मल करने वाले कैडेट्स को मुबारकबाद। हम दुश्मनों के खात्मे कमीशन, सिक्योरिटी फोर्सेस का बनू के इलाके जानी खेल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 4 दहशतगर्द अपने अंजाम को पहुंच गए। असलहा और बारूद बरामद, फायरिंग के तबादले में सिपाही मोहम्मद वसीम फर्ज पर कुर्बान। अमला पहुंचाना सामान, अदालती हुक्म के बावजूद इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन ना हो सके। हाईकोर्ट के फैसले की रोशनी में शहरियों की पोलिंग स्टेशन आमद। इंतजामात की सूरत हाल देखकर बरहमी का इजहार। जमात इस्लामी ने मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी कैंप लगा दिए। बल्दियाती इलेक्शन से 12 रोज पहले यूनियन काउंसिल्स की तादाद में इजाफा हुआ। विफाकी हुकूमत का कंडक्ट कानून से मुतसादिम दिखाई देता है। वाज़े नहीं कि नई मर्दमशुमारी ना होने के बावजूद आबादी बढ़ने का अंदाजा कैसे लगाया गया। आईनी दफात से फरार मुमकिन है, ना कोई रियायत दी जा सकती है। शहरे इक्तदार में मकामी हुकूमतों के इंतखाबात से मुतालिक इस्लामाबाद हाईकोर्ट का तफसीली फैसला जारी। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का मामला, सिंगल बेंच फैसले के खिलाफ विफाक और इलेक्शन कमीशन की इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से लगाया गया एतराज दूर। डायरी नंबर भी लग गए। बेशुमार वजूहात के सबब 31 दिसंबर को इलेक्शन मुमकिन ही नहीं थे। बैलेट पेपर्स छपवाई के बाद प्रिंटिंग कॉरपोरेशन में मौजूद। हसास पोलिंग स्टेशन पर कैमरे नस्ब करना होते हैं। गिलगित और आज़ाद कश्मीर से भी स्टाफ ने आना था। ECP का मौके। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक अदालती हुक्म पर अमल नहीं हुआ। वोट का हक, जमहूरियत का बुनियादी उसूल। अवामी रद्दअमल से खौफजदा PDM इंतखाबात से भाग रही है। ECP ने फिर साबित कर दिया कि इंपोर्टेड हुकूमत इसके हामियों की बी टीम है। इमरान खान का ट्वीट।
खान साहब, आपने इक्तदार में होते हुए बल्दियाती इलेक्शन क्यों रोके? पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मकामी इंतखाबात के वादे का क्या हुआ? हम नहीं, इलेक्शन से फॉरेन एजेंट और तोशाखाना चोर ही भाग रहा है। मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। मईशत पर सियासत, इलेक्शन पर सियासत, कौमी मफाद पर भी सियासत। चंद घंटे में शफाफ नहीं सिर्फ झुरलू इलेक्शन ही हो सकते हैं। ईसीपी के पास कौन सी जादू की छड़ी है जो फौरी इंतजाम कर दे? इमरान खान को इक्तदार में होते बल्दियाती इंतखाबात की याद क्यों नहीं आई? जाली सादिक और अमीन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मकामी हुकूमत क्यों नहीं बनवाते? राणा सनाउल्ला के सवाल। किस तरीके से इमरान ने पाकिस्तान को दिवालिया बनाया, डिफॉल्ट करने का खतरा में ढकेल दिया और ये मुआशी बहरान पैदा किया जिसकी वजह से महंगाई बेरोजगारी की सूरत में आज भी आम आदमी बोझ उठा रहा है। पूरा कराची तैयार है इलेक्शन लड़ने के लिए। हमें इस बात का कोई खौफ नहीं कि कौन जीते कौन हारे। 15 जनवरी को कराची का इलेक्शन होगा, 16 जनवरी को मेयर जियाला होगा। जीत या हार का खौफ हमें नहीं, इलेक्शन से इमरान खान भाग रहे हैं। एक तरफ इंतखाबात का शोर, दूसरी जानिब इस्तीफों की मंजूरी पर जोर। झूठ और नफरत की सियासत ने जम्हूरियत को नुकसान पहुंचाया। नाकाम वज़ीर आज़म को जम्हूरी तरीके से घर भिजवाया गया। आज बनी गाला से चीखें निकल रही हैं, पीपल्स पार्टी ही मुल्क को मसाइल से निकाल सकती है। बिलावल भुट्टो का दावा, 15 जनवरी को कराची में बल्दियाती इंतखाबात में फतह की उम्मीद। जियाला मेयर बनने का यकीन। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन न कराना अदालती निज़ाम पर हमला करार। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ एक और रेफरेंस भिजवाने का ऐलान। सिकंदर सुल्तान राजा को काम से रोकने के लिए अदालत जा रहे हैं। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। वज़ीर आज़म की हदायत के मुताबिक ये फैसला किया गया है कि हुकूमत ये जो इंक्रीज है वो जो अपनी जो लेवी है इन दो प्रोडक्ट्स के ऊपर उसको अब्सॉर्ब करें, इन कीमतों को बरकरार रखा जाए। 227.80 रुपये डीजल और 214.80 रुपये पेट्रोल की कीमत फैसला किया गया है कि वो भी बरकरार रहेंगी। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें बरकरार रखने का फैसला। ओग्रा की जानिब से नरखों में इजाफे की समरी भिजवाई गई थी। आलमी मार्केट में भी कीमतें बढ़ रही हैं, इजाफा लेवी कम करके एडजस्ट किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का ऐलान। पंजाब में सैलाबजदगान की बहाली के लिए इकदाम जारी। मुतासरीन में 5 अरब रुपए तकसीम किए जा चुके हैं। घरों की तामीर के लिए भी मुआवनत की गई। आइंदा तबाहकारियों से बचने के लिए बरवक्त इंतजाम नागजीर। अर्ली वार्निंग सिस्टम नस्ब करेंगे। चौधरी परवेज लाही की चेयरमैन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर से गुफ्तगू। MQM के इंजमाम की कोशिशें, राबिता कमेटी आज दोपहर 2 बजे सर जोड़कर बैठेगी। अहम फैसले मुतवक्के। कराची में गवर्नर सिंध की फारूक सत्तार से मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल। कोई मसीहा नहीं आएगा, हमें खुद ही एक दूसरे का हाथ थामना है। कराची की बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। कामरान टिसोरी की गुफ्तगू। कराची में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी को जूता मार दिया गया। कामरान टिसोरी नुमाइश चौरंगी पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस्लामाबाद में पुलिस कांस्टेबल्स की भर्तियां, 1667 आसामियों के लिए इम्तिहान, 30,000 उम्मीदवारों की शिरकत। हुजूम की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल, मंचलों के दिलचस्प तबसरे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए 2014 का आईन बहाल। मैनेजमेंट कमेटी ने ऐलान कर दिया। रीजनल और डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशंस और डिपार्टमेंटल क्रिकेट भी फाल। इजलास में 12 ज़िली कमेटियां तश्कील देने की मंजूरी। ख़वातीन क्रिकेट पर तवज्जो का अज़्म। ख़वातीन लीग का नाम पाकिस्तान वुमेन्स लीग रख दिया गया। रमीज़ राजा दौर में शुरू की गई जूनियर लीग खत्म करने पर इत्तेफाक़।
मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, चित्राल, कालाम, मालम जब्बा और गिरदनवाह में नज़ारे सफ़ेद। अयूबिया, नथिया गली और छांगला गली में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ। सयाहों की बड़ी तादाद हसीन नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़।